अच्छा जी, तो हमारा ये सफ़र का शुरुआत होती है, मैं अपने अब्बू के साथ, अब्बू जान के साथ इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा हूँ सादिकाबाद से। और सादिकाबाद से जब हम इस्लामाबाद के लिए निकले थे तो सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा गुज़रा। हम इस्लामाबाद पहुँच चुके, इस्लामाबाद के पहाड़ों में निकल गए ज़रा सरसब्ज़ा देखने के लिए, तरोताज़ा हवा लेने के लिए, थोड़ी फ्रेशनेस के लिए, क्योंकि जब घर से इंसान निकलता है तो थोड़ा तो गमगीन होते हैं, क्योंकि मैं एक दूसरे फॉरेन कंट्री में जा रहा था। तो इसीलिए अबू जान के साथ मैंने प्लान किया कि हम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर चलेंगे और हम अपना सेपरेट एक टाइम स्पेंड करेंगे कि हम अपने कुछ अच्छे लम्हात गुजार सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, कल का दिन तो काफ़ी अच्छा गुजरा, अब्बू के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया इकट्ठे हमने। और आज सुबह हम बैंक में आ गए हैं, इधर से कुछ पैसे विड्रॉ करवाने थे और फिर बाहर जाके चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट करवाए हैं। करेंसी चेंज करवाने के बाद हम डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आ गए वहाँ से, और वहाँ से एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात हुई मेरे तीन दोस्तों के साथ। हम बैचलर से इकट्ठे थे, 4 साल पुरानी दोस्ती है। और हमने वहाँ पे चेक इन करने के बाद कॉफ़ी शॉपी पी, और उसके बाद हम टाइम पे चल पड़े बोर्डिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सख्खरना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी की फ़र्स्ट फ़्लाइट में बैठ गया हूँ। काफ़ी एक्साइटेड थे हम कि जहाज़ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, फ़्लाइट कैसी होती है। हमने सिर्फ वीडियो ही देखी थी आज तक, ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है, और हम सारे मेरे दोस्त और मैं, हम सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब दुआ करिएगा कि हमारा सफ़र ही अच्छा गुजरे। इस्लामाबाद से निकलते ही घंटे के बाद ये टर्बुलेंस स्टार्ट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। हमें तो एक्सपीरियंस नहीं था इसका, पर हमें पहली दफ़ा हमने ये एक्सपीरियंस किया टर्बुलेंस का। बादलों के बीच में हम जी ये K2 के ऊपर से उड़े हैं, जो कि जॉर्ज बेल के मुताबिक ये सेवेज माउंटेन है। उसने 1953 में जब पाकिस्तान का विज़िट किया था इसको सर करने के लिए, तो वो उससे डिफ़ीट कर गया था। वो शिकस्त जब हासिल हुई उसको, तो वापस अमेरिका जाके उसने अपनी एक बुक लिखी इसके ऊपर, उसका नाम रखा सेवेज माउंटेन, और उसने इसमें लिखा कि इट ट्राइज टू किल यू, कि आप इसको करने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा डेंजरस माउंटेन है। हम अभी उसके ऊपर से गुजर रहे हैं।
हमारे पास ही खाना आ चुका है। हमें चिकन का तो पता नहीं था कि चिकन और बीफ हलाल हो कि ना हो। हमने फिर उनसे फ़िश मंगवा ली क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है, और फ़िश जहाँ से मिले आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं होता। वेजिटेबल और फ़िश हमने राइस के साथ मंगवा ली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेफली हम लैंड कर गए हैं और हमारा रात का जो स्टे है वो उरुमची में होगा इंशाल्लाह। और हम अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, अपना लगेज कलेक्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और देखते रहिए, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। हेलो जी, तो आपने जैसे मेरी ये वीडियो देखी है ट्रैवल सीरीज जो मैंने पार्ट स्टार्ट किया है चाइना का, इसमें मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट में बना दी है। और मेरे जो नॉर्मल व्लॉग्स हैं, डेली व्लॉग्स, वो आते रहेंगे इंशाल्लाह, और ये वाली वीडियो भी साथ आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।